गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 88 विषय गणित कक्षा 10 हमारी डेट 19 फरवरी के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट में। हमें जो अपना पार्ट दो है समानांतर श्रेणी एपी जिसको हम बोलते हैं, ये हमें रिवाइज करना है। इस पूरी वर्कशीट में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो देखो आपकी वर्कशीट में आज 15 क्वेश्चन दिए गए। थोड़ी सी बड़ी है आज की वर्कशीट, सारे क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, मतलब थोड़े से, तो MCQs भी नहीं आज, तो विकल्प वाले क्वेश्चन भी नहीं। कोई बात नहीं, सबको हल करते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखोगे सब हो जाएगा। तो चलिए हमारे पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, रीड करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमें नेक्स्ट थ्री टर्म, मतलब जो अगली तीन टर्म्स हैं, ठीक है, अगले जो तीन पद है वो हमें निकालने हैं, ठीक है। तो आपका पहला पार्ट है, पहले पार्ट में -7, -7, -7, जो इनके बीच में अंतर देखो कितना है, अंतर कितना है, जीरो है, अंतर तो इनके में है ही नहीं, ठीक है। तो अंतर जीरो है तो अगली तीन कैसी होंगी, यही होंगी बार बार, तो अगली तीन भी यही होंगी, -7, -7 और -7, क्लियर है। उसके बाद देखो दूसरे पार्ट में, दूसरा दिया हुआ है हमें 34, 32 और 30 दिया हुआ है, ठीक है, 34, 32 और 30 दिया हुआ है आपको। तो ये क्या है हमारा, ये पहली टर्म है, ठीक है, टर्म मतलब जो पहली टर्म पद जो होता है, पहली टर्म है, ठीक है। दूसरी क्या है हमारे पास, 32 है, तो इनके बीच में अंतर देखो कितना है, अंतर हमारे पास इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा, अंतर -2 है। तो हमें क्या निकालनी है, ये तो तीन टर्म तो आपको दी हुई है, अगली तीन निकालनी है, मतलब 1, 2, 3 तो है, हमें चौथी, पांचवी और छठी निकालनी है। चौथी क्या होगी, a+3d होगी ना, क्योंकि मैंने बोला था यहाँ 4 है तो उससे एक कम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। a क्या है, जो पहली टर्म है, और d क्या है, जो इनके बीच का अंतर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे a क्या है, 34 है, प्लस में 3 मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, d अंतर जो है -2, तो कितना हो जाएगा, ये 3 × 2 = 6 होता है, तो 34 में से -6 करेंगे कितना आएगा, 2 आपका, एक मिनट ये थोड़ा सा आपका कटा हुआ है, ये देखो आपका जो 28 से आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही पांचवी निकालनी है, पांचवी के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 4 करना पड़ेगा, ठीक है, 4 को करो अंतर से -2 से, 34 - 8 = 26 होता है। उसके बाद इसी तरीके से जो छठी है आपकी, छठी में भी, छठी यहाँ पे क्या करेंगे, 5d होगा, a+5d होगा, तो यहाँ से 5 और d क्या, -2, तो 34 - 10 = 24 होगा, ठीक है। तो अगले जो तीन हैं वो हमने निकाल लिए, क्या है, 28, 26, 24 हो गया। तीसरा पार्ट क्या है, √2, 2√2 और 3√2। तो यहाँ पे देखो पहला क्या है आपके पास, a क्या है, √2 है, ठीक है। उसके बाद d इनके बीच का अंतर, 2√2 में से 1√2 माइनस कर दिया, 2 में से 1 चला गया, कितना बचा, सिर्फ 1√2 बचा, ठीक है। तो ये इनके बीच का क्या है, अंतर है। अब अंतर पता लग गया, तो तीन है हमारे पास टर्म दी हुई, चौथी, पाँचवीं और छठी हम निकाल लेंगे। चौथी क्या होगी, देखो लाइन वाइज चल रहा है, 1 है यहाँ पे, फिर 2, फिर 3, फिर क्या हो जाएगा, 4√2, फिर 5√2, फिर 6√2, अगली तीन निकल गई, क्लियर है। उसके बाद देखो अगली जो हमें हमारी चौथा है, -9, -11, -13। पहली क्या है, -9 है, दूसरा क्या है, -11 है, इनके बीच का अंतर क्या है, d जो होता है, अंतर होता है ना d, तो क्या होगा, ये -11 में से -9 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, ये -, प्लस हो जाता है, तो -2 अंतर आता है। अब -2 अंतर है तो 13 के बाद चौथी क्या होगी, -2 इसमें जोड़ दो, -15, -15 में फिर से -2 जोड़ दो, क्या हो जाएगा, -17 में फिर से -2 जोड़ दो, -19 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला प्रश्न है जिसमें आपके जो चारों पार्ट हमने कर लिए, ठीक है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, अगले क्वेश्चन में क्या करना है, हमें जो ये दोनों आपको क्या निकालने, दोनों में a और d निकालना है, a मतलब जो पहली टर्म है और d जो उनके बीच का अंतर है, ठीक है। तो देखो पहला है आपका पार्ट √3, √27, √147, इनके बीच में a तो यही होता है सबसे पहला, ठीक है। तो a तो मुझे पता है क्या है, √3 है। d निकालना है हमें, d कैसे निकालेंगे, पहला और दूसरे के बीच का अंतर, पहला a है √3 है, दूसरी टर्म आपकी √27 है, ठीक है। इनके बीच का अंतर करेंगे हम तो हमारे पास d निकल जाएगा। कैसे करेंगे अंतर, जो 27 है इसको मैं लिख सकती हूँ 3 × 3 × 3, देखो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27 होता है। दो यहाँ पे पेज जोड़ा बन रहा है तो एक को बाहर निकाल दो, तीन, सिर्फ अंदर एक √3 बच गया। तो a आपके पास √3 है और आपके पास जो a2 है वो 3√3 है, ठीक है। तो इनका बीच का अंतर इसमें से इसको माइनस कर दो, 3√3 में से एक माइनस हो गया तो कितने बचे, 2√3 बचे, ठीक है। तो d आपका क्या है, 2√3, a और d निकालना था, निकल गया, ठीक है। अब देखो दूसरा पार्ट, दूसरा है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, ठीक है। अब इसमें a और a तो क्या होगा हमारे पास, यही होगा 0.6, अंतर निकालना है, क्या करोगे, इसमें से ये माइनस कर दो, 1.7 में से 0.6 माइनस कर दिया, 1.1 आया, तो d हमारे पास निकला आया कितना, 1.1, ठीक है। a और d ही निकालने थे दूसरे क्वेश्चन में, ये तो बिल्कुल आसान था, निकल गया। अब चलो तीसरे क्वेश्चन पे, तीसरा प्रश्न आपको क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से रीड करेंगे। तो तीसरे प्रश्न में इसने क्या बोला है बेटा,
यहाँ पे इसने बोला है कि आपको दिखाना है कि जो A1 है, A2 है, A3 है, ये क्या बनाते हैं, ये AP बनाते हैं, ठीक है। ये मतलब ये दिया हुआ है इसने, इसमें n की वैल्यू पुट करके देखोगे और सारे टर्म, पहली, दूसरी, तीसरी, सारे टर्म निकाल लोगे तो उसके बाद ये देखना है कि वो AP बना रहा है कि नहीं, ठीक है ना। AP मैंने आपको बताया था शॉर्ट फॉर्म होती है, जो समांतर श्रेणी होती है, जो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है AP, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसमें n को पहले 1 रखेंगे, n को 1 रखेंगे इसमें, तो क्या हो गया, 3 माइनस में n की जगह 1 रखो, 4 वन ज़ा 4, 3 माइनस 4 माइनस 1 हो गया। उसके बाद n को 2 रखो, n को 2 रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 4 टू ज़ा 8 होता है, 3 माइनस 8 क्या होता है, माइनस 5। फिर n को 3 रखेंगे, A3 क्या हो जाएगा आपका, 3 माइनस में यहाँ पे 3 रखो, 4 थ्री ज़ा 12, 3 माइनस 12 माइनस 9, ठीक है। पहले तीनों निकाल लिए, अब देखो यहाँ से डी निकालो बेटा, डी क्या है, दूसरी में से पहला माइनस करो, माइनस 5 में से माइनस 1 करेंगे, माइनस माइनस प्लस माइनस, कितना हो जाएगा डी आपके पास, अंतर कितना आया, 4 आया, ठीक है। अब देखो ये AP बन रही है, माइनस 1 माइनस 5 माइनस 9 बन रही है AP, ठीक है ना। सब में कितने का अंतर है, सब में 4-4 का अंतर है, ठीक है। ये हमें दिखाना था कि ये AP बन रही है, हो गया तीसरा क्वेश्चन। अब आगे देखो प्रश्न नंबर चार में क्या दिया हुआ है हमें, हमें क्या निकालना है कि कौन सी जो टर्म है वो 78 होगी, ठीक है। ये लिखा हुआ है ना, कौन सी जो टर्म है, मतलब पहले नंबर पे दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, कौन सी जो टर्म है वो 78 होगी, ठीक है। तो इसके लिए n निकालना पड़ेगा, n कौन से नंबर पे 78 होगा। तो मैंने बताया था कभी भी टर्म निकालनी हो, पद निकालनी हो, तो ये फॉर्मूला करना है हमें, ठीक है। a क्या है, a1 आपके पास क्या है, 3 है, a2 आपके पास क्या है, 8 है। तो हमारे पास दोनों में से इसको माइनस कर दो तो अंतर निकल जाएगा, 8 में से 3 गए 5, अंतर निकल गया। अब an बेटा इसने बोला है कौन सी जो टर्म है वो 78 है, तो an की जगह रख दो 78। ये क्या है, 3 है, ठीक है। n हमें निकालना है कि कौन से नंबर पे ये 78 आएगा, n यही तो हमें निकालना है। d क्या है, अंतर बीच का इनका कितना है, 5 है। बस इसको हल कर देंगे, आप सॉल्व कर देंगे, 78 ये 3 है, ये 5 को मल्टीप्लाई करो n से, तो 5 वन ज़ा 5। तो यहाँ पे जो ये 3 माइनस 5 कितना होता है, माइनस 2 होता है, प्लस में 5 एन तो है ही, ये माइनस 2 इधर आके प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 78 प्लस 2 80 हो जाएगा, 80 इज इक्वल टू 59। तो जो 5 सी है 80 कट जाता है, ये 16 पे आता है, जो एन है 16, मतलब जो सोलहवीं टर्म है वो क्या हो जाएगी आपकी, 78 होगी, ठीक है ना। सोलहवीं टर्म क्या होगी आपकी, 78 होगी, क्लियर है, हो गया चौथा प्रश्न। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर जो 5 है, पांचवे पे देखेंगे। पांचवा आपको दिया हुआ है कि आपको क्या करना है, पहली जो तीन टर्म है, पहली तीन टर्म आपको निकालनी है, यही लिखा हुआ है आपको, ये तीन नंबर्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। मतलब इस तरीके से आपको दिया हुआ है, के की फॉर्म में दिया हुआ, के रूप में दिया हुआ है, आपको ये निकालना है कि ये क्या है, AP में ये कौन सी टर्म है। तो देखो AP आपको ये क्या है बेटा, A1 है पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, तो डी निकालो, अंतर क्या होगा, दूसरी में से पहले वाली माइनस कर दो, तो 6K माइनस 1 माइनस कर दो, इसमें से 2K प्लस 1 माइनस कर दिया, तो यहाँ से क्या आ गया, ये माइनस पूरे ब्रैकेट के आ गए, तो अंदर के साइन बदल दो, माइनस 2K हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा। 6K में से 2K माइनस करोगे तो 4K, माइनस 1 और माइनस 1 कितना, माइनस माइनस प्लस माइनस 2, जो अंतर है वो आ गया डी। उसके बाद सब में जो अंतर है वो तो बराबर होता है ना, इसमें भी अंतर वही होगा और इसमें भी अंतर वही होगा, तो इन दोनों में भी अंतर निकालते हैं, तो इन दोनों में अंतर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5K प्लस 7 में से माइनस करेंगे क्या, 6K माइनस 1, इसको सॉल्व कर देंगे, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यही है, इसकी पूरे ब्रैकेट के आगे माइनस है तो अंदर के साइन बदल दो, 6K प्लस में माइनस हो जाएगा, माइनस 1 माइनस में आएगी, ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो डी है वो क्या आ जाएगा, 5K माइनस 6K माइनस के, 7 प्लस 1 8। देखो ये भी डी, ये भी अंतर निकला है, और ये भी डी, ये भी अंतर निकला है, तो अंतर तो सब में बराबर होता है, तो मैं इन दोनों को बराबर रख दूँ, इन दोनों को मैंने यहाँ पे बराबर रख दिया, 4K माइनस 2 को मैंने माइनस के प्लस 8 के बराबर रख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हल कर दो, के को एक तरफ ले आओ, माइनस के इधर आके प्लस हो जाएगा, 4K प्लस के 5K हो जाएगा, ये माइनस तो 2 है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, 8 और 2 10 होते हैं, तो क्या आया, 10/5 2, मतलब जो के का मान कितना आया, 2। अभी तो हमें AP निकालनी है, ये तो के निकला है, ये तो सिर्फ के निकला है, अब ये के इन सब में रखेंगे, ये पहली टर्म है, ये दूसरी है, तीसरी, तो हमारे पास तीनों आ जाएंगे, AP बन जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहली टर्म क्या होंगी, के रखो यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, आप यहाँ से लिख लेना बेटा, क्या हो जाएगा, 2K प्लस 1, पहली जो इसके नीचे लास्ट में लिखना है, ये 2 प्लस में 1, के 2 आया ना, कितना हो गया, 4 प्लस 1 5। अगला है 2 सॉरी 6
दो माइनस एक, ठीक है, कितना हो गया, छः दुनी बारह, बारह में से माइनस एक करेंगे कितना आया, ग्यारह, ठीक है। उसके बाद पाँच के पाँच, दो प्लस में सात, कितना आया, पाँच दुनी कितना, दस, दस प्लस में सात, सत्रह, ठीक है ना। तो ये हमारी ए पी है, पाँच ग्यारह सत्रह, यहाँ पे आप लिख सकते हो पाँच ग्यारह सत्रह, ठीक है, ऐसे डैश डैश लगा देना, ठीक है ना। हो गया ये क्वेश्चन, पाँचवा हो गया। अब चलते हमारे छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न देखो क्या दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ो। छठे में हमें दिया हुआ है कि जो आठवीं टर्म है वो 31 दी हुई है, ठीक है ना। जो आठवीं टर्म है वो बेटा क्या दी हुई है आपको, 31 दी हुई है। और जो आपको दिया हुआ है फिफ्टींथ टर्म है, जो पंद्रहवीं जो टर्म है वो क्या है, 16 ज़्यादा है ग्यारहवीं से, 11 से 16 ज़्यादा है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते साथ साथ लिखते रहो जो जो समझ में आ रहा है। तो इन दो चीज़ों से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से देखो ये चीज़ समझ में आ गया ना क्या लिखा है। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन ऊपर से पढ़ो और साथ साथ लिखते रहो कि आठवीं टर्म में दिए 31 और पंद्रहवीं टर्म हमें दिया हुआ है कि जो ग्यारहवीं टर्म है ना उससे 16 ज़्यादा है, ऐसा कैसा मैंने लिख दिया। तो हमें पता है कि जो आठवीं टर्म है उसको कैसे लिखते हैं, प्लस 70 लिखते हैं, इससे एक कम लिखते हैं ना, यहाँ पे एन माइनस वन होता है, क्योंकि एन माइनस वन होता है, एन क्या है आठ है, तो माइनस एक सात डी बच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डी है बेटा, डी की वैल्यूज रखेंगे, यहाँ से मैंने डी निकाला है, कैसे निकाला है देखो, 15 टर्म है, 15 मतलब ए प्लस 14 डी, ग्यारहवीं टर्म को कैसे लिखेंगे, ए प्लस 10 डी, प्लस में 16 है, तो यहाँ से ए तो कट गया, 14 डी ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, 14 डी माइनस 10 डी 4 डी आ गया, इज इक्वल टू 16, डी कितना आ गया, 16 बटे 4 4 आ गया, डी 4 आ गया, यहाँ पे मैंने वो 4 रख दिया, ठीक है, डी की जगह 4 रख दिया, क्योंकि मेरा ए निकल जाएगा इससे, 7 4 28, इधर 31 है, इधर आके माइनस हो जाएगा, 31 माइनस 28 ए 3 है। अब मेरे पास ए निकल गया, डी निकल गया, ए और डी निकालने के बाद तो ईजी है, फटाफट से ए पी कर सकते हैं हम, निकाल लो फिर ए पी, कैसे निकालोगे ए पी, ए कितना है आपके पास, जो पहली टर्म तो यही होती है 3 हो गया, दूसरी क्या होती है ए प्लस डी होती है, तो 3 प्लस डी क्या है 4, 7 हो गया, तीसरी क्या होती है ए प्लस 2 डी होती है, ए प्लस 2 डी क्या है 4, 2 4 8, 3 8 11 होता है, चौथी टर्म क्या होगी ए प्लस 3d, 3 + 3 × 4 कितना होगा, 3 + 12 15 हो गया, ए पी निकल गई 3 7 11 15, ये ए पी है, ये हमें निकालनी थी, ठीक है ना। बस हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्लियर है। चलो अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। प्रश्न 7 क्या है देखो, क्वेश्चन पढ़ो और साथ साथ लिखो। प्रश्न नंबर 7 में आपको क्या दिया हुआ है कि जो पाँचवीं है, जो आपको पाँचवीं और सातवीं टर्म का जो सम है, उनका जो योग है, अगर हम पाँचवीं और सातवीं टर्म को जोड़ते हैं तो 52 आंसर आता है, ठीक है। और ये दिया हुआ है कि जो टेंथ टर्म है वो हमारे पास 46 है, दसवीं जो टर्म है वो आपके पास 46 है, ये दिया हुआ है। तो दसवीं मतलब ए प्लस 90 किसके बराबर है, 46 के बराबर है, एक तो ये हमारी इक्वेशन हो गई, और ये दोनों दिया हुआ था कि पाँचवीं और सातवीं टर्म को जोड़ेंगे तो 52 आएगा, यही लिखा हुआ है ना। तो क्या करेंगे, ए प्लस 4d हो गया 5, तो और a7 क्या हो गया, a प्लस 6d हो गया, a कितने हो गए 2a हो गए, 4d और 6d 10d हो गया, तो यहाँ से दोनों दो कॉमन ले लिया बाहर, a प्लस 5d बचा, दो इधर आ जाएगा 52 के नीचे 26 आया, तो a प्लस 5d 26, अब दो इक्वेशन बन गई। इन दोनों को क्या करेंगे हम, ये और ये बन गई, इन दोनों को हल करेंगे, इनको माइनस कर दो, कैसे उससे d निकल जाएगा हमारा, तो a प्लस 5d क्या होता है, ये दे रखा है 26, और दूसरी हमें यहाँ पे दी हुई थी ना a प्लस 9d, ये देखो ये दी हुई है, यही मैंने लिख दी, बस अब इनको सॉल्व कर देंगे a और d के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे a से ही कट जाएगा, माइनस की मैंने पहले साइन बदल दिए ताकि मेरा a से ही कट जाए, ठीक है। तो 9 5 और 9d कितना हो जाएगा, माइनस 4d हो गया, 9 में से 5 गए 4 होता है ना, और बड़े का साइन लगता है, माइनस 9 बड़ा है तो माइनस का साइन लग गया, इधर माइनस 46 और 26, 46 में से 26 माइनस करेंगे 20 आएगा, साइन बड़े का लगेगा, माइनस लगेगा, माइनस से माइनस कट गया, डी कितना आया आपका 20 बटे 4 5 आया, डी अंतर निकल गया हमारे पास, ए बी का अंतर निकल गया, ठीक है। अब क्या करो, डी की वैल्यू रखो, ए बी तो पता होना चाहिए, अंतर कहाँ से शुरू करें, उसके एक एक टर्म तो पता हो, तभी तो उसमें जोड़ के हम निकाल सकते हैं आगे की टर्म। तो ए प्लस 5d 26 था, यहाँ पे डी की वैल्यू रख देंगे 5, क्योंकि 5 ही निकली है, 5 5 25 25, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, 26 माइनस 25, ए क्या निकला है, एक निकला है। अब अंतर क्या है, अंतर तो हमारा 5 है, तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, देखो एक है, एक एक अगले में 1 + 5 6 होता है, 6 + 5 11 होता है, ऐसे ही निकल जाएगी ए पी, तो डायरेक्ट ऐसे भी निकल जाएगी, लेकिन हम फॉर्मूला पुट करेंगे ना, हमें मेथड पता है, मेथड की तो मार्क्स होते हैं मैथ्स में। तो ए क्या है, पहली टर्म तो एक है, अगली ए प्लस डी होती है, मतलब एक में 5 जोड़ दो 6, अगली a प्लस 2d होती है, 1 + 2d क्या आपका 5, ये हो गया 11, ऐसे ही चौथी निकाल दी 16, ठीक है। देखो अब फटाफट से आंसर देख लो शुरू से, ये आपका प्रश्न यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट होते हैं, इस तरीके से पहले हमने d निकाला है, उसके बाद हमने a निकाला है, और हमने ap निकाल दी, हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब चलो आगे,
क्वेश्चन नंबर 8 पे, 8 में क्या करना है ध्यान से देखो, आपको क्या दिया हुआ है बेटा, आपको क्या दिया हुआ है कि ये आपकी जो मतलब कितने तीन डिजिट के मतलब जैसे 469, तीन डिजिट का ना, 1 2 3, तीन डिजिट वाले जो नंबर्स हैं वो निकालने हैं आपको, जो किससे डिविजिबल हैं। तीन डिजिट वाले शुरू कहाँ से होते हैं, 100 से शुरू होते हैं, ख़त्म कहाँ पे होते हैं, 1000 तो 4 डिजिट का होता है, इस पे होते हैं 999 पे ख़त्म होते हैं। तो इनके बीच में वो नंबर निकालने हैं, वो संख्या निकालनी है जो 9 से डिविजिबल, जो 9 से कटती है, ठीक है, वो निकालनी है जो 9 से कटती है। 100 कटता है 9 से, नहीं कटता। 101 देखोगे, 102 को करके देखोगे, नहीं कटेगा। 108 से कटना शुरू होगा, पहला निकल गया तो प्लस 9 कर करके ही तो हम AP निकाल ही सकते हैं, ठीक है ना। और ये तो कटता ही डायरेक्ट पता लग रहा है, 1 1 1 से कट गया, ठीक है, 9 1 9 9 1 9 9 1 9, ठीक है। तो हमें आखिरी भी पता है, पहली भी पता है, इसमें 9 9 से डिविजिबल है, 9 9 का गैप होगा ना इसमें। ऐसे भी देख लो, मतलब पहली टर्म 108 है, दूसरी 117 है, अंतर कितना, 9 का ही तो आएगा इनके बीच में, क्योंकि 9 से देखना, 9 से कटेंगे। तो उसके बाद हमें क्या निकालना है कि कितनी है ये संख्या टोटल, इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं, कितने ऐसे नंबर हैं जो 9 से डिविजिबल होते हैं, डिवाइड विभाजित होते हैं 9 से, ठीक है ना। अब देखो कैसे निकालेंगे, n निकालना है इसका मतलब। तो an इज इक्वल टू, ये हमें निकालना है, ये फॉर्मूला होता है हमारा, an जो आखिरी है हमारा कितना है, 999 है, a क्या है हमारे पास 108 है, प्लस में n माइनस 1, d क्या है हमारे पास, अंतर 9 है, ठीक है। यहाँ से इस दरा के माइनस में हो जाएगा 891, माइनस 9 भी दरा के प्लस में हो जाएगा, 891 प्लस 9 900 इज इक्वल्स टू क्या आया, 9n, 9 से डिवाइड करेंगे कितना आया, 100 आया आपका, जो n है वो कितना आया, 100 आया, मतलब 100 ऐसी नंबर हैं आपके जो 9 से कटते हैं, 100 किसके बीच में, जो तीन डिजिट के हैं, 108 से 999 के बीच में, क्लियर है, हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब चलो आगे, प्रश्न नंबर 9 है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं हम, क्वेश्चन 9 आपको बोला है कि जो 9th टर्म है वो 0 है, ये थोड़ा सा कट गया बेटा यहाँ से, एक मिनट मैं इसको ठीक कर देती हूँ, अब ठीक है, ठीक है। चलो क्या दिया हुआ है आपको, जो 9th है, 9 टर्म 0 है, 9 मतलब 9 टर्म क्या हो गया, a प्लस 8d हो गया, किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ये दिया हुआ है। देखो ऊपर क्वेश्चन पढ़ते रहो और साथ साथ जो जो दिया हुआ है ऐसे शॉर्ट में उसको लिखते रहो, ठीक है। इसी के यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आप क्वेश्चन पढ़ोगे और नीचे साथ के साथ आप नीचे लिखते रहोगे, ठीक है ना। अब चलो देखो, 9 टर्म आपको 0 दी हुई है, ये हो गया। प्रूफ क्या करना है, देखो क्या प्रूफ करना है आपको, कि जो 29th टर्म है, जो 29th पद है आपका, वो क्या है, दो गुना है किसके, 19th के, ठीक है, ट्वाइस है, दो गुना है 19th टर्म के। तो उसको वहाँ पे नीचे लिख दो इसी फॉर्म में, जो आपके पास यहाँ पे देखो, जो 29th आपकी टर्म है वो दो गुनी है 19 टर्म से, ठीक है, यही लिखा हुआ है। तो ए 29 क्या हो गया बेटा, 19 टर्म क्या होगी, ए प्लस 18d होगी, ठीक है। इसको इक्वल दिखाना है यहाँ पे, देखो कैसे करोगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, a प्लस 18d लिखेंगे 19 को, 2a प्लस 18 जो 30 60 हो गया, a 29 2a को लिख सकती हूँ, a प्लस a 30 60, ठीक है। तो a 29 a प्लस a 30 60 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 28d और 8d। ऐसा मैं क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये 29th टर्म है, तो मतलब ये क्या होगा, a प्लस 28d होगा ना, तो मैंने इसको इसलिए इसमें तोड़ लिया, जो बाकी बच गया ना उसको अलग से लिख दो, ठीक है। फिर क्या हुआ यहाँ पे, अब a प्लस 8d, a प्लस 8d क्या होता है, ये भी हमें इसलिए खोला है हमने, देखो a प्लस 8d 0 है, तो इसलिए मैंने 36 को इस तरीके से तोड़ लिया कि मेरा a प्लस 8d कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या बचता है फिर, a प्लस 28d बच रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रही है, किसके बराबर होता है, ये तो 29 के बराबर होता है, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया ना, इसका मतलब सिद्ध हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9, क्लियर है, यहाँ से सिर्फ यहाँ तक है, इतना छोटा सा ही क्वेश्चन आपका लिख लोगे। अब चलो अगले क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 10 पे, प्रश्न नंबर 10 है, ध्यान से पढ़ो क्या दिया हुआ है आपको, ये AP दी हुई है, इस AP में आपको क्या करना है, पीछे से उल्टा चलना है, एंड से चलना है, एंड से आपको जो 7वीं टर्म है वो निकालनी है, एंड से हमें क्या करना है, 7वीं टर्म निकालनी है, ये आपके पास AP है, पीछे से निकालनी है, तो इसको उल्टा करके लिख दो AP को, ठीक है, पीछे से ही लिख दो इसको, ठीक है। तो यहाँ से पीछे से लिखोगे, अब ए ये है ना, ये थोड़ी है ए, कि एंड पीछे से बोला है ए, मतलब इसको उल्टा कर देंगे हम, तो क्या होगा, ए आपके पास 93 होगा, डी आपके पास क्या होगा, अंतर तो वही रहेगा यहाँ पे भी, ठीक है, माइनस कर दो 17 में से 21, आप माइनस करो, यहाँ से आप माइनस करो 17 में से 21 कितना हो जाएगा, -4, अंतर आ गया,
तो ये क्या है, फॉर्मूला होता है हमारा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन कितना है बेटा आपके पास, ए एन हमें क्या निकालना है, सातवां हमें ये निकालना है, सातवीं जो टर्म है, सातवीं टर्म निकालनी है, ए सेवन निकालना है। तो ए क्या है आपके पास 93 है, एन हमें सात निकालना है, माइनस वी वन डी हमारे पास क्या है माइनस चार है, बस निकाल दो। 93 माइनस सेवन माइनस वन सिक्स होता है, सिक्स मल्टीप्लाई माइनस फोर, सिक्स फोर जै 24, माइनस 24 आ गया, 93 में से 24 करेंगे मतलब जो सातवीं टर्म है वो 69 है। बस ये छोटा सा क्वेश्चन था आपका, 10th हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब चलो आगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बेटा क्या है, 11 भी बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा वैसा नहीं है। देखो 11th क्वेश्चन में क्या करना है, ये आपको दी हुई है ए पी, यही दी हुई है ना क्वेश्चन में, देखो ध्यान से, आपको ये ए पी दी हुई है। इस ए पी में, ये जो ए पी है इसमें आपके पास क्या है, आपको सम निकालना है सारे नेचुरल नंबर्स का। ये ए पी मैंने कैसे लिखी है, 250 से, आपको क्या बोला है क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, 250 से 1000 के बीच में जो ये नेचुरल नंबर हैं जो तीन से कटते हैं, जो किससे कटते हैं, जो तीन से कटते हैं, 250 कटता है तीन से, नहीं कटता, 251 कटता है, नहीं कटता, 252 कटता है, कैसे पता लगा, प्लस करके देखो, 5 और 2 सात, 7 और 2 नौ आता है, 3 की टेबल में आता है, तो 252 से अब तो आगे हम 3 ऐड करके अगले निकाल ही लेंगे, 3 ऐड करते रहो, वो सारे 3 से कटेंगे, ठीक है। और 1000 तो कटता नहीं है, लास्ट वाला क्या होगा 999, तो 250 से लेके 1000 तक ये वाले जो, ये हमारी एपी बन गई, ये जो नंबर है ये 3 से कटते हैं सारे। ए क्या है हमारे पास 252 आ गया, डी क्या है हमारे पास, इनके बीच का अंतर 255 में से 252 माइनस करेंगे 3 आ गया। ए एन क्या है आपके पास, लास्ट वाला है क्या 999 है, ये फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। ये ए एन की जगह मैंने क्या लिखा 999 लिख दिया, ए क्या है 252 है, निकालना क्या है कितनी है आपके पास, आपको सम निकालना है। सम कैसे निकालते हैं, मतलब जो आपका योग होता है वो कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला ये वाला होता है ना आपका, ये वाला जो फॉर्मूला होता है, इसके अंदर से यहाँ पे हमें ए तो पता है, हमें डी भी पता है, लेकिन एन तो नहीं पता ना, तो इससे हम पहले एन निकालेंगे, ठीक है, और फिर इसके अंदर रख देंगे, ठीक है। तो देखो एन क्या है हमारे पास, ये निकालने के लिए ए की वैल्यू रखी, डी की वैल्यू रख दी, ठीक है, बस इसको एन के लिए सॉल्व कर दो, एन के लिए सॉल्व करो इसको, ये 3n हो जाएगा, ये माइनस 3 हो जाएगा, ये 252 इधर क्या जाके माइनस हो जाएगा, 999 में से 252 माइनस करो 747 हो गया, ठीक है, ये माइनस 3 इधर आके प्लस हो जाएगा, कितना हो गया 750, n की वैल्यू कितनी होगी, ये 3 इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, n की वैल्यू 250 हो गई, मतलब जो n है आपके इसमें ऐसे 250 ऐसे कुल नंबर है जो 3 से कटते हैं, ठीक है, n निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे सम निकालना है, तो ये मेरा फॉर्मूला होता है ना, ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला होता है 250 टर्म के लिए, तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, एस एन, ये फॉर्मूले में अभी मैंने आपको बताया था वैल्यू रख दो एन की, 250 है एन की, यहाँ पे भी 250 रख दो, बाकी तो हमें पता ही है ए 258 है और जो 252 और डी आपके पास 3 है, एक अट गया 125 आ गया, डी मल्टीप्लाई करो 504 आ गया, 250 में से एक माइनस 249 मल्टीप्लाई में 3 कितना होता है 747 होता है, इनको प्लस करोगे 1251 मल्टीप्लाई करोगे तो 156375, मतलब इनका जो सम है, जो योग है वो इतना आ जाएगा सारी संख्या का, ठीक है ना। अब देखो एक बार फटाफट से आंसर देख लो, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका 11th, क्लियर है, पहले n निकाला और उसके बाद क्या किया, ये सम निकाला, हो गया क्वेश्चन हमारा 11 हो गया। अब देखो 12 क्वेश्चन पे आओ, 12 क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है बेटा आपको, 12 क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, दो पार्ट दिए हुए हैं ये आपको, ठीक है ना, ये दो जो पार्ट दिए हुए हैं आपको, इन दोनों पार्ट में आपको क्या करना है बेटा, पहला पार्ट है आपको पहले जो 100 नेचुरल नंबर, जो प्राकृतिक संख्या होती हैं, कौन सी होती हैं, एक से लेके इन्फिनिटी तक सारी, ठीक है, लेकिन पहले 100 की निकालनी है, पहले 100 की निकालनी है, मतलब एक से 100 तक नंबर, ठीक है, सम निकालना है इनका, योग निकालना है, जोड़ना है मतलब इनको, ठीक है, तो ए पी क्या बनेगी, एक से 100 तक सारी बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक ए वन क्या है आपके पास, 1 है, डी क्या अंतर कितना, एक एक का ही तो लगातार ही तो चल रहा है, 1, 2, 3, 4 लगातार ही तो चलेगा, तो डी क्या है हम आपके पास 1 है, और n 100 तक निकालना है आपके पास, n कितना बेटा 100 है, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला किस क्या होता है, इन सबको जोड़ने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d ये लगाते हैं। तो यहाँ से पहले 100 के लिए निकालना है, n कितना है 100 है, a कितना है आपके पास 1 है, n कितना है 100 और d भी 1 है, ठीक है, ये कट गया 50 आ गया, 2 आ गया, ये 99 मल्टीप्लाई 1 99 आ गया, ठीक है, ये इनको जोड़ोगे 101, 50 गुना में 101 कितना आएगा 5050, ठीक है। तो ये तो हो गया ए पार्ट हो गया। अब चलो बी पार्ट पे, बी पार्ट क्या दिया हुआ है, पहले 100 ओड नेचुरल नंबर, मतलब ये आपको विषम संख्याएं जो होती हैं, प्राकृतिक विषम संख्याएं, ठीक है, ओड नेचुरल नंबर आपको इनका
सम निकालना है। ठीक है, देखो कैसे निकालोगे, कैसे जोड़ोगे इनको। एक तीन पाँच सात ये बनेगा ना, पहले एक तीन पाँच यही होते हैं ना, सात। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, ए आपके पास एक है, डी इनमें से माइनस करो, तीन में से एक माइनस करो, दो का अंतर आएगा। ठीक है, इसका जोड़ने के लिए ये हमारा फॉर्मूला होता है, बस वैल्यू रख दो। एन क्या है हमारे पास, एन तो एन कितना होगा बेटा, कहाँ से कहाँ तक निकालना है हमें, ये 100 तक होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, देखो क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ ना कि पहले 100 का निकालना है, तो एन 100 होगा हमारा। टू ए क्या है हमारे पास, एक है, एन 100 है, माइनस एक, और डी आपके पास 2 है। बस इसको हल कर दो, काट दो 50 से, ये 2 हो गया, 98 हो गया, 98 को दूनी कितना हो गया, 198 हो गया आपका, सॉरी 99 दूनी है ये, 198 हो गया। तो इसको 198 प्लस 2 200, 50 को 200 से करोगे तो कितना आएगा, 10,000। ठीक है, तो ये देखो ये आपका, सॉरी यहाँ से है, ये आपका ए पार्ट है, ठीक है, और ये आपका बी पार्ट है। हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब चलो प्रश्न नंबर 13 पे, क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 में। इसने बोला है कि जो सम है फोर्थ और एट्थ नंबर का वो 24 है। साथ साथ क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ से क्वेश्चन पढ़ोगे और क्या करोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे और साथ साथ नीचे लिखते रहो, ठीक है, तभी इजीली जो जो दे रखा है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते रहो। जो चौथी है और जो आठवीं टर्म है, अगर मैं उसको जोड़ती हूँ तो मुझे 24 मिलेगा। एक तो ये चीज़ दी हुई है, और एक ये चीज़ दी है, जो छठी और दसवीं टर्म को मैं जोड़ूंगी तो मेरे को 44 मिलेगा, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से A4 क्या होगा, A+3D, A8 क्या होगा, A+7D, 24 के बराबर है, तो कितना हो गया, 2A+7D, 10D। एक तो हो गई आपके पास ये इक्वेशन, दूसरी A6 क्या होगा, A+5D, A10 क्या होगा, A+9D, 44 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे A और A कितना होगा, 2A, प्लस में ये कितना होगा, 9D और 5D, 14D किसके बराबर है बेटा, 44 के, 44 के बराबर है। ठीक है ना, तो यहाँ से आप क्या करोगे, इस इक्वेशन में आपको क्या करना है, इन दोनों को हल कर लो, माइनस कर दो इनको, ए या डी की वैल्यू किसी की भी वैल्यू निकाल लो। तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों को यहाँ पे माइनस कर दूँगी। माइनस क्यों करूँगी, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ये कट सकते हैं, लेकिन दोनों प्लस में है तो सबके साइन बदल दो, सबको मैंने माइनस में कर दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको कट गया, ये 14 में से 10 गई 4, साइन किसका लगता है, बढ़ेगा, तो -4D। 44 में से 24 गए 20, साइन लगता है माइनस का, माइनस से माइनस कट गया, डी क्या आ गया आपका, 5 आया। ठीक है, ये 4 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, डी आपके पास 5 आ गया। अब डी इसमें या इसमें किसी में भी डी की वैल्यू रख लो। ठीक है, मैं पहले में रख लेती हूँ, उसके से मेरा ए निकल जाएगा, 2A+10D 24 है, तो डी मेरा 5 है, डी की जगह रख लो 5, 10 पंजे 50, 2A हो गया इधर, तो ये 50 इधर लेके जाओ, 24 माइनस 5 माइनस 26, ए की वैल्यू क्या आ गई बेटा, -26/2 -13। ये ए है, ये तो पहली टर्म निकली है, हमें तो पूरी ए पी निकालनी है। क्या करोगे यहाँ पे, अगली क्या होती है, दूसरी क्या होती है, A+D होती है, तो -13+D क्या निकाला था, 5 निकाला था, -8 आ गया। तीसरी क्या होगी, A+2D, -3+2 2 5, ये -3 आ गया। A4 क्या होगा, A+3D, -13+3 × 5 2 आ गया। ठीक है, ए पी क्या बन गई हमारी, -13 -8 -3 2। ठीक है, घटता जा रहा है ये, तो ये आपकी ए पी बन गई। तो देख लो फटाफट सॉल्यूशंस कैसे लिखोगे, ये आपका 13 क्वेश्चन है, ये आपको पूरा सॉल्व करना है, क्लियर है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखो रीड करो क्वेश्चन नंबर 14 को, क्या दिया हुआ है, ये आपको जो दिया हुआ है यहाँ पे, आप क्या करोगे, इसमें आप x की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू निकालोगे इस AP में, एज इट इज़ मैंने ये लिख दिया। क्या दिया हुआ, 1+4+7+10 अप टू x के लिए है, इनका जो सम है, जो योग इनको जोड़ेंगे तो 287 आ रहा है। ठीक है, तो A क्या है बेटा, 1 है, डी क्या है, 4 में से 1 माइनस करो, 3 है, और जो सबको जोड़ने के बाद क्या आ रहा है मेरा, SN कितना है, 287 है। SN का फॉर्मूला क्या होता है, जोड़ते हैं सबको, तो ये फॉर्मूला होता है जोड़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबकी वैल्यू पुट कर दो। N क्या है आपके पास, 287 है, और मतलब जो सम है जोड़ेंगे 287 आएगा। N कितना है, 3 है, तो ये सॉरी N है वो आपको निकालना है। ठीक है, N की वैल्यू निकाल देंगे, क्योंकि जो लास्ट है ये वही तो हो जाएगा ना बेटा, N x के ही इक्वल होगा ना ये आपका। ठीक है ना, इस तरीके से निकाल दे, N की वैल्यू पुट कर देंगे ना हम। देखो नहीं समझ आ रहा, ध्यान से सुनो, पहले हम N निकालते, हमारे पास N नहीं है, क्योंकि कोई भी टर्म निकालनी है, A+N-1D, तो यहाँ पे N तो चाहिए ही हमें, तो N निकालेंगे यहाँ से। A क्या है आपके पास, 1 है, D क्या है आपके पास, 3 है, वैल्यू पुट कर दी, N के लिए सॉल्व कर देंगे। क्या करेंगे, इधर आपके 2 ऊपर चला गया, कितना हो जाए, 574 होता है, इधर क्या है, 2 1 2, 3N-3। ठीक है, N के साथ मल्टीप्लाई में है, 2 -3 -1 होता है, तो यहाँ से क्या करेंगे, N को इससे करो मल्टीप्लाई, -N इसके साथ भी करो, 3N स्क्वायर।
अब इसको देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाओ, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 574 आ जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे अब, 3n स्क्वायर माइनस में n, ठीक है, ये स्क्वायर नहीं आएगा बेटा, ये हटा लो, ये इसको रफ कर लेना, उसके बाद माइनस में 574, ठीक है, इधर आके क्या हो जाएगा, ये प्लस नहीं, इधर आके माइनस हो जाएगा, ये ठीक कर लेना, मैंने गलती से यहाँ पे स्क्वायर लगाया, इसको हटा देना, क्लियर है ना, ये स्क्वायर हटा देना, 3n स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पे क्या करूँगी, तोड़ दूँगी इसको, फैक्टराइजेशन मेथड जो होता है ना हमारा गुणनखंड वाला, उससे मैं क्या करूँगी, इसको लिख दूँगी 42 मल्टीप्लाई 41, ठीक है, क्योंकि 42 में से 41 माइनस करोगे एक n ही बचेगा आपके पास, माइनस 574। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इसको हल करो, क्या करेंगे, कॉमन ले लो इसमें से, 3n कॉमन ले लिया, क्या बचा n माइनस 14, यहाँ से 41 कॉमन ले लो, क्या बचा n माइनस 14, ठीक है, फिर 3n, ये n माइनस 14 अलग से लिखा, कॉमन है 3n प्लस 41, दोनों को, इसको भी जीरो के इक्वल रखो, इसको भी जीरो के इक्वल रखो, और n की वैल्यू निकालो, यहाँ से माइनस 41 बाई 3 है, यहाँ से 14 है, तो बेटा ये तो माइनस में तो हो ही नहीं सकती आपकी जो n की वैल्यूज़ है, तो ये नॉट पॉसिबल है, संभव नहीं है, तो ये तो हो गई नहीं, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 14 आ गई। अब आपके पास a 14 जो है वो क्या है, a प्लस 13d होगा ना, a 14 क्या होगा, a प्लस 13d होगा, n टोटल 14 है, और x है वो 14 ही तो टर्म होगी ना, लास्ट वाली है ना x, ठीक है ना, तो इसलिए हम उसको x रखेंगे लास्ट वाली को, 14 को, a 1 था, d हमारे पास 3 था, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 40 आ गई, ठीक है। तो ये देखो आपका क्वेश्चन लिख सकते हो साथ साथ, यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट होता है, इस तरीके से पहले हमने क्या की, आपकी n की वैल्यूज़ निकाली है, और उसके बाद हमने लास्ट की x की वैल्यू निकाली, हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अब आखिरी क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ S1, S2, S3, ये क्या है, ये अगर हम पहली जो n संख्याओं को, n टर्म्स को जोड़ते हैं उसका सम है, जोड़ते हैं उनका योग है, 2n को जोड़ते हैं S2 2n के लिए, और 3n के लिए क्या आपका S3 है, टर्म्स के लिए सबको जोड़ते हैं, तो आपको प्रूव करना है, ये आपको सिद्ध करना है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, S3 है किसके इक्वल है, 3, आप क्वेश्चन में भी देख सकते हो किसके इक्वल है बेटा, 3 मल्टीप्लाई में S2 माइनस S1, इसके बराबर दिखाना है। तो देखो सबसे पहले कैसे करोगे, S1 क्या होगा, ये फॉर्मूला होता है ना S का, तो ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास जो योग होता है, जोड़ते हैं जब सारी टर्म्स को हम, S2 क्या हो जाएगा, मतलब n को 2n कर दो, ठीक है, जहाँ पे भी n है उसको 2n कर दो, S3 क्या होगा, जहाँ पे भी 3 है उसको 3n कर दो, ठीक है। तो यहाँ से मेरा S1 S2 S3 निकल गया, मुझे क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना मुझे सिद्ध करना है S3 है वो इक्वल है इसके, तो वैल्यू पुट कर दो S2 और S1 की, यहाँ से देखो मैं दिखाती हूँ, ये देखो S2 क्या है बेटा, S2 आपके पास ये है, तो मैंने ये वैल्यू यहाँ रख दी, S1 क्या आपके पास ये है, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, बस इसको सॉल्व करना है, S3 के इक्वल दिखाना है, ये इक्वल दिखाना है, तो इसको S3 इक्वल कर देंगे, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे, कर सकते हैं, देखो सॉल्व करो इसको, ये हमने लिख लिया ऊपर से S1 S2 की वैल्यू, S2 और S1 की वैल्यू, यहाँ से क्या होगा बेटा, n बाई 2 है, बाहर ले लो कॉमन, ले लिया, क्या बचा बंदर, 2 मल्टीप्लाई में ये, इधर से क्या बचा, ये पूरा ही बचा, ठीक है। अब क्या होगा, 2 2 4 है, यहाँ पर भी क्या होगा, 2 2 4 n, 2 1 2 d, इधर एज इट इज़ है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से 4 है, ये क्या हो जाएगा, इसको करो 4nd, फिर क्या होगा, ये क्या होगा 2d, इधर से -2a और यहाँ से -nd और इधर से -+d, बस सॉल्व करते रहना, आप कुछ नहीं करना आपको। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 3n/2, अब 4a है -2a, कितना बचा 2a, 4nd है माइनस में nd, 4 में से एक चला गया 3nd, 2 में से 1d बच गई, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ से आप डी कॉमन ले लो, क्या बचा 3n-1 बचा। अब ये जो है ये तो किसके इक्वल है, ये तो S3 के इक्वल है, देखो ये तो S3 के इक्वल आ गया, और यही हमें इसके इक्वल दिखाना था, S3 के इक्वल ही दिखाना था, हो गया इजी सा था बिल्कुल, हैंड्स प्रूफ, यहाँ पे आप लिख सकते हो हिंदी में सिद्ध हुआ, ठीक है ना, सिद्ध हुआ इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, हो गया। तो ये आपका जो यहाँ से आप क्वेश्चन दिखा देती हूँ मैं, ये आपका 15 क्वेश्चन, क्लियर है। तो ये 15 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए, कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं।